जय हिंद प्यारे साथियों, पीएनएसटी और एनएम एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्टूडेंट वाले एजुकेशन परिवार में स्वागत है। गाइस, जीके की एक और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी साथियों को पहले ही बता चुका हूँ कि कंबाइन आप लोगों को तैयारी क्यों करवाई जा रही है। जी हाँ, एनएम और पीएनएसटी वाले दोनों स्टूडेंट को साथ में तैयारी क्यों करवाई जा रही। तो गाइस, आप लोगों का सिलेबस जो है एग्जैक्ट आप लोगों का कॉपी पेस्ट है। जी हाँ, सेम टू सेम सिलेबस है। दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को एक जैसी प्रिपरेशन करना है, सेम टू सेम। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है। आप लोग मिला के देख लीजिएगा, सिलेबस कंपेयर करके देख लीजिए। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के आप लोगों को करवाया जा रहा है। ओके, सारे के सारे सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब। तो प्यारे साथियों, बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, देखिए यही जीके क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाने वाले, बिल्कुल बता दूँ। ओके, जो जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है उनको आप लोग याद करते चले जाइएगा। चलिए, इसका उत्तर आप लोगों ने अभी तक कर भी दिया होगा। देखिए गाइस, इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। जी हाँ, जो आप लोगों का हीराकुंड बांध है वो कहाँ है? आप लोगों का उड़ीसा में है। जी हाँ, और ये याद रखिए, ये किस नदी पे है? महानदी पे है। कौन सी? महानदी पे है और उड़ीसा राज्य में। इम्पोर्टेंट क्या है, अगर पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध तो हीराकुंड बांध। ओके, याद रखिए आप लोग, भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर क्वेश्चन पूछे तो भी आप लोगों को बताना है हीराकुंड बांध। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस आप लोगों के सामने है, स्वतंत्र भारत के, आप भी कोशिश कीजिएगा उत्तर देने की। ओके, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा ताकि आप लोगों का भी अभ्यास हो सके। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो गाइस, इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या सी राजगोपालाचारी या लॉर्ड डलहौजी। चलिए, तो इसका सही उत्तर बता दूं मैं यहाँ पे आप लोगों का, क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। ओके, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ओके, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ये काम तो एक आप पहले कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सभी वीडियो मिलते रहे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड या ग्राम बेल या फ्लेमिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, बता दूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, इसका सही उत्तर होगा जे एल बे सॉरी ओके इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्राम बेल। ओके, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राम बेल ने किया था, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ओके, और देखिए यहाँ पे अगर पूछ लेता मोबाइल का आविष्कार किसने किया है तो तब आपका होता, ओके चलिए, मार्टिन कूपर होता। और जे एल बेल क्या है, इनने आप लोगों का किसका, टीवी का आविष्कार किया था। चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे देखते हैं हम लोग। सारे इंपॉर्टेंट जीके आप लोगों को करवा दिया जाएगा, बस आप लोग स्टूडेंट वार टेली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915, 16, 17 या 18। तो गाइस, बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, जो आप लोगों का साबरमती आश्रम है वो कहाँ पे है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये आप लोगों का अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ आता है? गुजरात में आता है। और इसकी स्थापना 1916 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। ओके, साबरमती नदी के किनारे ये आश्रम स्थापित है। बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, चौरा चौरी कांड कब और कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए कहाँ हुआ था ये तो बता दूंगा मैं, बाकी कब हुआ था देख लेते हैं हम लोग। 3 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी या 6 फरवरी। तो याद रखिएगा आप लोग, जो चौरा चौरी कांड है वो हुआ था आप लोगों का 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और कहाँ हुआ था तो चलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को पूरी डिटेल में। ओके,
देखिए याद रखिए, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो जीके के तो अधिक से अधिक आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन, ओके, 1921 बिहार, 1921 पंजाब, 1921 केरल या आंध्र प्रदेश। तो गाइस चलिए, अभी तक आप लोगों ने सही कमेंट कर भी दिया होगा, मैं बता दूं यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये हुआ था 1921 को और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, मोपला आंदोलन। ओके बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मालाबार केरल में हुआ था ये मोपला विद्रोह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस ये रहा आप लोगों के सामने, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और पटेल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, जो स्वराज दल की स्थापना है वो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने की थी। ओके बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके है ये सभी। ओके आप लोगों का जो है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, नया क्या क्या बन सकता है। ओके चलिए, लोक वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है क्वेश्चन पूछ सकता है, और भी मंत्रियों के नाम पूछ सकते हैं, भारत से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का तो मंत्रिमंडल का वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है मैंने। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? दिसंबर 1916 भारत चीन, दिसंबर 1932 महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच में, दिसंबर 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता हुआ था दिसंबर 1916 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ओके चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वेल गाइस सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ओके अगर पूछ लेता, देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है, तो ये कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट या फातिमा बीबी। तो गाइस आप लोगों को बता दूं इसका सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू, क्योंकि इन्होंने पूछा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ओके राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पूछ लेता आपको, केवल प्रथम महिला अध्यक्ष, केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता तो एनी बेसेंट हो जाता, लेकिन भारतीय लग गया साथ में तो सरोजिनी नायडू होगा। ओके क्वेश्चन में डिफरेंट था। चलिए बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, डांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो गाइस इसका उत्तर 12 मार्च 1930, 12 मार्च 31 या 12 मार्च 32 या 33। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, इसका सही उत्तर बता दूं यहाँ पे 12 मार्च 1931 को हुई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वेल गाइस चार्ल्स डार्विन, अरस्तू, फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट्स आप भी कीजिएगा, ओके, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो। ओके चलिए गाइस, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? अरस्तू जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं, वो कहलाते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आगरा का किला किसने बनवाया था? नोट डाउन कीजिएगा क्वेश्चन, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, आगरा का किला किसने बनवाया था, ना कि ताजमहल पूछा है। ओके ना कि ताजमहल पूछा है, आगरा का किला पूछा है, तो शाहजहाँ, बाबर, अकबर या सलीम, इसमें से किसने बनवाया था? आगरा का किला याद रखिए अकबर ने बनवाया था। ओके ताजमहल पूछता तब आपका आंसर अलग हो जाता। ओके बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते गए, तो ये रहा आप लोगों के सामने, किसके जन्म दिवस के को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गाइस देखिए 29 अगस्त को मनाया जाता है आप लोगों का खेल दिवस के रूप में, तो किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओके 29 अगस्त। ओके चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन तो सभी से बन जाना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून, 5 जून, 3 जून, 2 जून। तो गाइस कमेंट्स जरूर कीजिएगा आप लोग, चलिए बता दूँ इसका सही उत्तर 5 जून है। ओके आप लोगों ने लास्ट में कितने सही किया ये भी आप लोग भी देख लीजिएगा अब। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चलिए गाइस
ये आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा इसका सही उत्तर। ओके चलिए बता दूँ ये कब हुआ था, तो 19 अप्रैल 1917 को हुआ था, नोट डाउन कर लीजिएगा कब हुआ था, 19 अप्रैल 1917 को हुआ था चंपारण सत्याग्रह। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अच्छा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ओके कब हुआ था, तो बता दिया मैंने। चलिए गाइस क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इसे छोटा कर लेते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ मैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन पूछा है मैंने आप लोगों को, इसका उत्तर आप लोगों को बताना होगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। देन गाइस यहाँ पे पूछा है देखिए क्वेश्चन कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या राज्यपाल। तो गाइस ऐसा किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है देखिए यहाँ पे, चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट अशोक ने, अकबर ने या बाबर ने। तो गाइस कमेंट्स जरूर कीजिएगा, तो बता दो गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या होगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था, ये कहाँ पे है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताइए, सांची का स्तूप कहाँ पे है आप लोगों को बताना है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। चलिए गाइस ये है अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, अशोक, ह्वेनसांग। तो किसके शासनकाल में की थी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए गाइस, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री फाइयान ने भारत की यात्रा की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बायोलॉजी की क्लास में मैंने मॉर्निंग आप लोगों से मॉर्निंग में चर्चा किया था कि विटामिन से संबंधित क्वेश्चन, तो ये भी आप लोगों को पता होगा रतौंधी रोग किसकी कमी से, तो विटामिन ए की कमी से होता है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन और लेके हाजिर होंगे। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का या तेलंगाना का। वेल गाइस इसकी इसका उत्तर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। ओके अभी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो इसका उत्तर, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इसका उत्तर जरूर बताइएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के शानदार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल स्टूडेंट वार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।